आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर, जिन्हें हिमनद के नाम से जाना जाता है। बर्फ से ढके हुए भागों में एक विशेष ऊंचाई से नीचे स्थित उन हिमखंडों जिनके खिसकने गलने की क्रिया होती है, उन्हें हिमनद या हिमानिया कहते हैं। राज्य के कुछ प्रमुख हिमनद इस प्रकार हैं। गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिले में स्थित यह राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। यह 30 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। इस हिमनद के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी निकलती है, जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गंगोत्री तक सड़क मार्ग से और फिर 17 किलोमीटर पैदल यात्रा कर इस ग्लेशियर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हिमनद प्रतिवर्ष 22 मीटर पीछे खिसक रहा है। पिंडारी हिमनद कुमाऊं मंडल के बागेश्वर व पिथौरागढ़ तथा गढ़वाल मंडल के चमोली क्षेत्र में 30 किलोमीटर लंबा और 400 मीटर चौड़ा यह ग्लेशियर है। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह त्रिशूल, नंदा देवी, नंदा कोट शिखरों के मध्य में स्थित है। मार्ग की सुगमता के कारण यहाँ सैलानी व ट्रैकिंग करने वाले अधिक संख्या में पहुँचते हैं। अलकनंदा की सहायक पिंडार नदी यहीं से निकलती है। यहाँ पर मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग, ब्रह्मकमल, भोजपत्र आदि भी मिलते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 40 वर्षों में यह हिमानी आधी किलोमीटर पीछे खिसक गई है। नंबर तीसरा मिलन हिमनद पिथौरागढ़ नगर से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर में मुनस्यारी तहसील में स्थित इस ग्लेशियर की लंबाई 16 किलोमीटर है। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर से पिंडर की सहायक नदी मिलन तथा काली की सहायक नदी गोरी गंगा निकलती है। यहाँ जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। सतोपंथ और भागीरथी हिमनद ये दोनों हिमनद बद्रिका धाम से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में आराम कुर्सी की भांति स्थित हैं। इन दोनों हिमनदों की लंबाई क्रमशः 13 और 18 है। इस स्थान को अलकापुरी भी कहा जाता है। बद्रीनाथ, माणा, वसुधारा प्रपात होते हुए गर्मी में इन हिमनदों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। खतलिंग हिमनद केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम स्थित यह हिमनद जोगिन, स्फटिक पिस्वार, बार्त कोटार व कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य में स्थित है। यह रुद्रप्रयाग, टिहरी व उत्तरकाशी के संगम पर स्थित है। भिलंगना नदी इसी स्थल से निकलती है। केदारखंड में उल्लेखित स्फटिक शिवलिंग संभवतः यही है। इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है। चोराबाड़ी हिमनद केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित इस हिमनद की लंबाई 14 किलोमीटर है। इस हिमनद से अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी निकलती है। इस हिमनद के निकट प्रसिद्ध गांधी सरोवर है, जहां पर 2013 में केदारनाथ आपदा भी आई थी। बंदरपुंछ हिमनद यह हिमनद उत्तरकाशी जिले में बंदरपुंछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर है। इसकी लंबाई 12 किलोमीटर है। इस हिमनद तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार से उत्तराखंड के अनेक ग्लेशियर हैं। आपको दी गई जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी।